जिसको तुम निर्दोष बना रही हो उसका दोस्त से पितला है कि उसकी धमनियों में एक असुर का रक्त है। पकड़ो इसे। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। महादेव, महादेव रक्षा कीजिए, महादेव रक्षा कीजिए। असुर माता दीदी, ये देखिए। राम, राम, राम पुत्र उठो। ये किसने किया? ये कैसे हुआ पुत्र? राम, राम। असुर माता दीदी, संभालिए अपने आप को। ये समय विलाप करने का नहीं है। राम की पत्नी श्यामला और उससे होने वाले शक्तिशाली पुत्र, उसको खोजना और उसके जीवन की रक्षा करना हमारा दायित्व है। हमें शीघ्र अति शीघ्र उस पुत्र को खोजना होगा। श्यामला। अरे रे रे असुर माता, कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? कहीं रंब और श्यामला की वो अजन्मी संतान की रक्षा हेतु तो नहीं जा रहे? कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसकी नियति तो मैं स्वयं लिखकर आ रहा हूं। कुछ ही क्षण में रंब की भांति उसका बलशाली पुत्र महिषासुर भी मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। देवराज, असुर साम्राज्य पर वार करना इतना सरल नहीं। जिस संतान को आप मारना चाहते हैं उसे मैं बचाऊंगी। असुर साम्राज्य के भविष्य की रक्षा मैं करूंगी, मैं करूंगी, मैं करूंगी। परंतु असुर गुरु, इन्होंने ये नहीं बताया कि रक्षा करने के लिए जा कहां रही हैं, क्योंकि इन्हें तो पता ही नहीं कि श्यामला कहां है। और जब तक इन्हें पता चलेगा और ये वहां पहुंचेंगी, तब तक आपके असुर कुल के भविष्य का सूर्य सदा के लिए अस्त हो चुका होगा। इतने चिंतित क्यों होती हो श्यामला? इस औषधि से तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बस तुम्हारी गर्भ में पल रही असुर संतान जन्म लेने से पूर्व ही मर जाएगी। नहीं, नहीं, नहीं। लो, पी लो इसे। महादेव, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करो, रक्षा करो।
सर कहां जा रहे हैं? हलचल होना आरंभ हो चुका है देवराज। ब्रह्मदेव के आशीर्वाद को भ्रम समझना मूर्खता थी आप लोगों की। ब्रह्म और श्यामला के बलशाली पुत्र को जन्म लेने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया परंतु आप नहीं समझे। अब देखिए, सीता से रम के साथ उसकी संतान भी निकलेगी, रम के साथ उसकी संतान भी निकलेगी, रम के साथ उसकी संतान भी निकलेगी। शुक्राचार्य, असुर कुल के भविष्य का नव निर्माण हो रहा है। असुर माता तिथि देवराज, एक पुत्र की वेदना जो आपके षड्यंत्र के आहुति चढ़ गई,
माँ।